अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम नियासत फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत 10 मरले का घर नेसपाक सोसाइटी में लेकर आए हैं। इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाते जाएं तो बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन जिसमें अल्लाह का नाम लिखा गया है। टाइल्स यूज़ की गई हैं, वुडन स्टाइल टाइल्स और रॉक साइड टाइल्स यूज़ की गई हैं। इधर आपको ग्रीन एरिया मिल जाए तो पीछे आपको बहुत ही खूबसूरत टाइल्स और सिरेमिक डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही बहुत ही खूबसूरत किस्म के कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं हाईलाइट्स करने के लिए। दरवाजे की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लैक कलर का और उसके ऊपर सांचे का डिज़ाइन यूज़ किया गया है। अंदर चले सबसे पहले आपको टाइल्स दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपको गैरेज मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का गैरेज है, इसमें ईजिली दो सेडान कार आ सकती हैं और इस तरफ आप अपनी बाइक्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं। गैरेज की बात की जाए तो सामने आपको बहुत ही खूबसूरत शीशे का अल्लाह के नाम अल्लाह का कुरानी आयात मिल जाती हैं, चारों कुल मिल जाते हैं और आयतुल कुर्सी मिल जाती है। इस तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है, आर्टिफिशियल ग्रास और वुडन स्टाइल टाइल्स यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत किस्म के। एंट्रेंस की बात की जाए तो डबल एंट्रेंस है, लेफ़्ट साइड से आप ड्राइंग एरिया के एंट्रेंस देख सकते हैं और राइट साइड से आपको मेन एंट्रेंस मिलती है। 10 फुट का एंट्रेंस का दरवाज़ा है, सॉलिड वुड यूज़ की गई है, फॉल सीलिंग भी की गई है बहुत ही खूबसूरत किस्म की और एलईडी लाइट्स भी यूज़ की गई हैं। इस तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत रॉक टाइल्स मिल जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बनाया गया। मेन एंट्रेंस से जाएं तो आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का डोर हैंडल मिल जाता है, वुडन डोर मिल जाता है 10 फुट का और साथ ही राइट साइड से आपको बाहर गली के एक्सेस मिल जाता है और बिल्कुल इसके साथ आपको पाउडर रूम मिल जाता है। राइट साइड पे आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, इधर आपको बहुत ही खूबसूरत डायमंड शेप मिरर्स मिल जाते हैं, मल्टीपल मिरर्स, साथ ही वॉलपेपर जो रिफ्लेक्ट करके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना रहे हैं। अंदर एंटर होते ही आपको टीवी लाउंज मिलता है जिसमें ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्लैक सीलिंग्स में ब्लैक टच दिया गया है सीलिंग्स के एजिस पे और उसके अंदर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की, ब्लैक एंड गोल्डन कलर के फैंस एंड शैंडलियर बहुत ही खूबसूरत किस्म का। सामने आपको अगेन रॉक वॉल डिज़ाइन मिल जाता है जिसमें ब्लैक और गोल्डन टच है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का टीवी लाउंज में। इधर आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, कंसोल मिल जाता है और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत किस्म का वॉल पेपर मिल जाता है। वॉल लैंप्स भी लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के और इधर आपको वुडन डिज़ाइन मिल जाता है, मिरर यूज़ किया गया, नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है जिधर आप अपनी डेकोरेशंस रख सकते हैं। ड्राइंग रूम और टीवी लॉन सेपरेटेड नहीं है, सिर्फ सेपरेशन में ही एक वुडन वर्क किया गया बहुत ही खूबसूरत किस्म का। टाइल्स की बात की जाए तो ब्लैक एंड मल्टी कलर शेड स्टाइल जिसमें ब्लैक गोल्डन येलो और ऑरेंज शेड है यूज़ किया गया है। इधर वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं डबल बहुत ही खूबसूरत किस्म के और फैंसी एरिया बनाया गया जिधर आप अपनी डेकोरेशंस रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के वॉल लैंप्स यूज़ किए गए हैं, आपको वॉल लैंप्स दिखाते हैं। इधर आपको विंडो मिल जाती है 10 फुट की, वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी प्रोटेक्टिव ग्रिल्स भी लगाई गई हैं और ये डोर जो कि एंट्रेंस का है। आगे चलें तो राइट साइड पे आपको किचन मिल जाता है, किचन में वुडन टेक्सचर टाइल्स यूज की गई हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की, ब्लैक वाइट ग्रे और गोल्डन कलर्स की कैबिनेट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और एक्सेसिव स्पेस है। कैबिनेट की नेशनल का स्टोव और मैरियोटेक का हुड यूज़ किया गया है। इधर आपको बर्तन की स्टोरेज के लिए जगह बना के दी गई है बहुत ही खूबसूरत किस्म की, जिधर आप बर्तन वगैरह स्टोर कर सकते हैं। आगे जाएं तो राइट साइड पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, सेकंड बेडरूम एंड स्टोर एरिया, ये आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है जिधर आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। राइट साइड पहले बेडरूम में चलते हैं तो बहुत ही खुला बहुत ही अच्छा बेडरूम है जिसमें ऊपर फॉल सीलिंग की गई है बहुत ही खूबसूरत किस्म की, अगेन ब्लैक कलर और गोल्डन कलर यूज़ किया गया, बहुत ही खूबसूरत टच दिया गया है। वार्डरोब एरिया सेपरेट है, आप देख सकते हैं वार्डरोब एरिया वाइट एंड ब्लैक कलर की वार्डरोब्स बनाई गई हैं। फिर वॉशरूम मिल जाता है जिसमें ब्लैक कलर का एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की, PCI की LED मिरर जो कि सेंसर ऑपरेटेड है, बाथिंग एरिया और ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग।
बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल्स यूज़ की गई हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत रखे गए हैं। करके आगे चले तो राइट साइड पे आपको सेकंड बेडरूम मिलता है। चुगाठों की बात की जाए तो वुडन चुगाठियाँ यूज़ की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत बेडरूम। बेड वॉल पे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर से डिज़ाइन बनाया गया, ऊपर अगेन फॉल सीलिंग की गई है, ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। इधर आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। अगेन बहुत ही खूबसूरत वैनिटी बनाई गई है वॉशरूम में, इम्पोर्टेड शावर लगाया गया है और दिल्ली का कमोड लगाया गया है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले तो आपको मार्बल स्टेयरकेस मिल जाता है, साथ ही आपको एल्युमिनियम की सेफ्टी प्रोटेक्टिव रेलिंग मिल जाती है, लाइट के पासिंग थ्रू के लिए विंडो मिल जाती है, और ऊपर जाते ही लेफ्ट पे आपको स्टडी एरिया मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत किस्म का, साथ ही इधर आप छत को एक्सेस कर सकते हैं। इधर अगेन आपको रॉक डिज़ाइन मिल जाता है, टीवी लॉन्च मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, शैंडलियर सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया है, मीडिया वॉल बनाई गई है, साथ ही आपको ओपन किचन मिल जाता है, बहुत ही अच्छा खुला सादा ओपन किचन जिसमें अगेन नेशनल की एक्सेसरीज और कैनियन की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं, सेंसर अपग्रेडेड हुड लगाया गया है, स्लैब बनाई गई है जिस पे आप अपना सेटिंग एरिया बना सकते हैं खाने पीने के लिए दोनों तरफ से, बहुत ही खूबसूरत कंसोल और बहुत ही यूनिक किस्म का शैंडलियर। राइट तरफ पे जाएं तो आपको बेडरूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का बेडरूम है, नीचे वाले टेक्सचर के साथ फॉल सीलिंग थोड़ी डिफरेंट है, अगेन ग्रेश ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया और LED लाइट येलो कलर की, वार्डरोब एरिया एंड वॉशरूम दिल्ली की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। वॉशरूम में सेंसर ऑपरेटेड मिरर है, नहाने की जगह एज यू कैन सी शॉवर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल्स बनाई गई हैं। बिल्कुल इसके साथ ही आपको एक और बेडरूम मिल जाता है, अगेन नीचे वाले सेम डिज़ाइन पे, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर, फॉल सीलिंग, ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, अगेन LED ऑपरेटेड मिरर, दिल्ली का कमोड एंड शावर एरिया। ग्राउंड फ्लोर में आपको दो बेडरूम मिलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आपको तीन बेडरूम मिल जाते हैं। तीसरा बेडरूम आपको दिखाते हैं, अगेन इसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर, फॉल सीलिंग की गई है, ब्लैक एंड गोल्डन कलर यूज़ किया गया है, सेपरेट वार्डरोब एरिया दिया गया है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है। लॉबी में भी बहुत खूबसूरत किस्म का शैंडलियर यूज़ किया गया। सेकंड फ्लोर की तरफ चले मार्बल स्टेयरकेस मिलता है, एल्युमिनियम रेलिंग, इधर आपको थोड़ा स्टोरेज एरिया मिल जाता है और फिर आपको छत मिल जाती है, काफ़ी खुली और काफ़ी कुशादा छत है जिसमें सेटिंग एरिया भी बना सकते हैं आप। इधर टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करके ये एरिया बनाया गया है, इधर आप बारबेक्यू एरिया भी बना सकते हैं ग्रिल्स वगैरह रख के, और बिल्कुल इसके साथ ही आपको 7 क्वार्टर मिल जाता है या आप इसको स्टोरेज एरिया बना सकते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग भी की गई है। इस तरफ आपको वॉशरूम मिल जाता है 7 क्वार्टर का। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।